तो ये लास्ट ईयर ही कैट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपके सामने ये रहा, गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस। इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप ये लाइन समझ पा रहे हैं तो इसी लाइन में पूरा क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर आप ये ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे होगा ही नहीं। एस पी सेम है, इसका कहने का मतलब क्या है? एस पी सेम है। तो पहले पे कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? 20%। तो सीपी और एसपी पे काम करते हैं दोनों पे। प्यारे बच्चों 20% प्रॉफिट हुआ, मतलब 1/5 कह सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ पांच वाली चीज 6 में बेच रहा हूं मैं, ठीक है? पांच वाली चीज 6 में बेच रहा हूं, यही मैंने ट्रिक्स बताई हुई है क्लासेज में आपको। और दूसरे पे 10% का लॉस हुआ। 10% क्या होता है बच्चों? 1/10। तो 10 वाली चीज 2 में बेच रहा हूं। अभी एक चीज और भी करनी है हमें, एस पी क्या करना है? दोनों का सेम करना है। तो एस पी सेम करते हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एट द सेम प्राइस। इस प्यारे बच्चों, इस 6 और 9 को सेम करना है। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 18। इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या मिला? 15:18, हाँ या ना? और इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या मिला? 20:18। मैं पुराना सब मटेरियल रब कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो फाइनली ये क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि भैया पहला आर्टिकल 15 से 18 बिका, दूसरा आर्टिकल 20 से 18। एसपी सेम वाली कंडीशन भी पूरी कर दी और गेन और लॉस वाली कंडीशन भी मैंने क्या कर दी बच्चों? पूरी कर दी। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। अब वो ये कह रहा है, इफ शी इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस। उसने दोनों का एसपी बढ़ाया होगा और इस तरह से बढ़ाया कि अभी भी उनका एसपी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। फिर वो क्या कह रहा है, एंड ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी। बी पे कितना प्रॉफिट हुआ? 10%। बच्चों सीपी तो बी का, यहाँ ये 1 और 2 की जगह आप ए और बी ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 की जगह ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट बी पे कितना प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों? 10%। 20 का 10% कोई भी निकाल ले 2 रुपए, ठीक है? तो यहां पे दोनों आर्टिकल का पहले एसपी 18 था, अब यहां पे ये कितना हो रहा है बच्चों? 20 और 2 22। ये समझ आया? 20 और 2 22। यहां पे कोई दिक्कत कि भैया बी पे 10% का प्रॉफिट हुआ। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों का ना सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है, तो आर्टिकल ए भी 22 में ही बेचना पड़ेगा हमें, तभी ये 22 22 सेम बनेगा, हाँ या ना? ए एंड बी आर स्टिल अभी भी वो सेम प्राइस पे बेचे जा रहे हैं। तो अगर ये 20 का 10% 2 रुपए आया, 22 में बिक रहा है, तो उसे भी कितने में बेचना पड़ेगा बच्चों? 20 2 में बेचना पड़ेगा। और वो था कितने का देखो बच्चों, वो था कितने का? 15 का। 15 वाली चीज जब आप 22 में बेचते हो तो कितने का प्रॉफिट होता है? 7 का। तो ये क्वेश्चन 7/15 100%। प्यारे बच्चों अब इस कैलकुलेशन को आपने करना है। वैसे अगर आप दिमाग से सोचो 7/14 होता तो 50%, 7/15 है तो 50 से कम आना चाहिए, और 50 से कम बहुत सारी है। तो अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, पूरा कर ही लेते हैं। अगर एक आधी ऑप्शन होती तो फिर हम लगा देते। 140/3%, यही आएगा? 140/3 करना, ये तो इजी है कैलकुलेट करना। 3 चौक 12, 40 2 2 2 0, 3 6 18, 40, 6.666 डॉट 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 डॉट। तो इसके नियरेस्ट कौन सी है बच्चों? 47। यस, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक आपको समझ आ